जय श्री महाकाल। कर्क राशि वाली महिलाओं के लिए बहुत ही अच्छी गुड न्यूज वर्ष 2025 लेकर आया है। कर्क राशि वाली महिलाएं, अगर आपको बहुत लंबे समय से संतान नहीं हो रही है, संतान का सुख नहीं मिला है और आज भी संतान के लिए तड़प रहे हैं, मन में इच्छा है कि भगवान एक संतान तो दे दे, तो वर्ष 2025 आपके लिए बहुत ही बेहतरीन गुड न्यूज लेकर आया है। जी हाँ, क्योंकि ये जो साल है, इस साल में आपको संतान का सुख मिलने वाला है, प्रेगनेंसी कंसीव हो जाएगी। और जिन लोगों की अभी नई नई शादी हुई और वो जानना चाहते हैं कि प्रेगनेंसी कब होगी वर्ष 2025 में, तो तीन ऐसे महीने जब आपका ग्रह परम योग बना करके आपको संतान का सुख देने वाला है। बहुत ध्यान से वीडियो को देखिए, आखिरी तक देखने की जरूरत है। वीडियो के आखिरी में एक उपाय भी बताऊंगा जिसे पूरे साल आप करेंगे तो निश्चित रूप से आपको संतान का सुख मिल ही जाएगा, इसमें किसी भी प्रकार का कोई संदेह नहीं है। कर्क राशि वाली महिलाएं, ग्रह और योग के अनुसार वर्ष 2025 में जो फरवरी का महीना है, आपके लिए प्रेगनेंसी कंसीव करने के लिए बहुत ही अच्छे योग बनाने वाला है। इस महीने अगर आप गर्भाधान करेंगे तो निश्चित रूप से आपकी प्रेगनेंसी ठहर जाएगी और आपको संतान का सुख मिल जाएगा। दूसरा जो महीना है वह है जुलाई का महीना। कर्क राशि वाली महिलाओं को जुलाई के महीने में भी ग्रह और योग के अनुसार प्रेगनेंसी कंसीव करने का पूरा योग बन रहा है। अगर इस जुलाई के महीने में प्रेगनेंसी कंसीव होगी तो निश्चित रूप से आपको पुत्र संतान की प्राप्ति होगी और वह पुत्र संतान आपके भाग्य को बदलने वाली होगी। घर में सुख शांति समृद्धि धन और पैसे को लेकर आने वाली है। वहीं अगर कर्ज से परेशान है तो संतान के आने से कर्ज भी धीरे धीरे चुक जाएगा। आपका व्यापार, आपके जॉब में आपको लाभ मिलेगा। जैसे ही संतान गर्भ में आएगी निश्चित रूप से आपको लाभ मिलेगा। तीसरा जो महीना है वह सितंबर का महीना है। सितंबर के महीने में आपको प्रेगनेंसी अगर कंसीव हो जाती है तो विश्वास कीजिए कि आपको जो संतान प्राप्त होगी वह माता लक्ष्मी के आशीर्वाद से ही प्राप्त होने वाली है और यह संतान भी आपका भाग्योदय करने वाली है। तो आशा करता हूं कर्क राशि वाली महिलाएं इस वीडियो को देखकर समझ ही गई होंगी कि वर्ष 2025 के महीने में कब उन्हें प्रेगनेंसी कंसीव होगी। अब उपाय क्या करना है वो भी समझ लीजिए। जैसे ही 1 जनवरी चालू होती है आपको इस उपाय को प्रारंभ कर देना है। वर्ष 2025 में आपको प्रतिदिन भगवान शिव के मंदिर में जाकर के 7 बिल्व पत्र भगवान शिव को अर्पित करना है, 1 लोटा जल चढ़ाना है और 1 शुद्ध गाय के घी का दीपक भगवान के सामने जलाना है और ओम नमः शिवाय मंत्र का 27 बार जप करना है। इससे भगवान शिव की कृपा प्राप्त होगी और आपको संतान के रूप में भगवान शिव का आशीर्वाद जरूर मिलेगा। वीडियो अच्छा लगा है चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर क्लिक करके जाइए, क्योंकि हम आपके लिए ऐसे ही रोचक वीडियो और जरूरी जानकारी इस चैनल पर लेकर आते रहते हैं। जय महाकाल, हर हर महादेव।